ठीक है। ये जो है कथा है, एक बॉम्ब है 30 kg का है, एट रेस्ट एक बॉम्ब है और वो रेस्ट में है, दिस बॉम्ब इज एट रेस्ट, ठीक है। और इसका जो मास है दैट इज 30 kg, ठीक है, ये 30 kg इसका मास है, ठीक है। अब इसके दो पीस होते हैं, एक 12 एक 18 kg का, एक 12 kg का, दो पीस हो गया, ठीक है। वेलोसिटी, अब आपको पता है कि अगर बम रेस्ट में है और इसके दो पीस होंगे तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए यार, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर एक पीस इधर जा रहा होगा, ठीक है, एक पीस इधर जा रहा होगा, तो वेलोसिटी टू पीस ऑफ 18 and 12 kg, मान लो 18 वाला इधर जा रहा है एंड द वेलोसिटी ऑफ 18 इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, तो दूसरा वाला इधर जा रहा होगा जिसका मास 12 kg है, क्योंकि वो 30 था तो इसकी वेलोसिटी भी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी तभी निकाल पाऊंगा जब वेलोसिटी निकले, स्पीड निकलेगा यार, ठीक है, तो स्पीड निकलेगा तभी काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। तो मोमेंटम कंजर्व करा दो, इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम जीरो तभी होगा जब इन दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा, मतलब इसका मोमेंटम हो गया 18 × 6 मस्ट बी इक्वल टू v × 12 है ना, तभी तो मोमेंटम जीरो होगा भाई, मोमेंटम कंजर्व करा दिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा 2, मतलब v की वैल्यू आ जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड से इसके अपोजिट जाएगा, ठीक है, अपोजिट जाएगा, हम पहले ही मान लिए हैं। अगर आप वेक्टर में सही से करना चाहते हो और अच्छे से करना चाहते हो तो इसको वेक्टर में लिखो, देखो निगेटिव आएगा। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी इसका हाफ mv² दूसरे वाले पीस का, तो हाफ मास इसका कितना भैया, मास इसका 12 और 9 का स्क्वायर 81 होता भैया, 9 का स्क्वायर 81, तो यह आ जाएगा 6 और ये 6 और ये 48, ठीक है, 648 joule, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल पीस, 468 joule, ठीक है, आया समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। चलो, ये कहता है फोर्स, और देखो